नमस्कार, मैं हूं आस्था चौहान। न्यूज 29 इंडिया के दर्शकों को हमारी पूरी टीम की तरफ से दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं। हर साल की तरह इस बार भी रावण का पुतला जगह जगह पर खड़ा किया जाएगा और घास फूस से भरे इस रावण का दहन किया जाएगा। रामलीला की नौटंकी की मंडली से राम रूप में कोई आएगा और तीर को बाण पर रख उसे चलाएगा और रावण का वध कर जाएगा। एक रावण तो मारा जाएगा, लेकिन भ्रष्टाचार, शोषण, रेप, दबंगई, इन रावणों का वध करने कौन आएगा? देश में हम कई वर्षों से चली आ रही रावण दहन की प्रथा को तो बना रहे हैं, लेकिन हमारे अंदर जो रावण है उसे हम अक्सर भूल जाते हैं। एक वो रावण था जिसने सालों कठिन तपस्या करके ईश्वर से शक्तियां अर्जित की और फिर इन शक्तियों के दुरुपयोग से अपने पाप की लंका का निर्माण किया था। वहीं दूसरी तरफ एक आज का रावण है जो पैसे, पद, वर्दी अथवा ओहदे रूपी शक्ति को अर्जित करके उसके दुरुपयोग से पूरे समाज को ही पाप की लंका में बदल रहा है। क्या ये रावण नहीं है जो आज भी हमारे ही अंदर, हमारे समाज में जिंदा है? हम बाहर उसका पुतला जलाते हैं, लेकिन अपने भीतर उसे पोषित करते हैं। यहाँ तक कि आजकल तो हमें राम से ज़्यादा रावण आकर्षित करने लगा है। हमारे समाज में आज नायक की परिभाषा में राम नहीं, रावण फिट बैठ रहा है। किस साजिश के तहत आधुनिकता की आड़ में हमारे समाज के नैतिक एवं सामाजिक मूल्यों की विचारधारा पर प्रहार करके उन्हें बदलने की कोशिश की जा रही है? अगर सिर्फ रेप के मामले ही देखे जाए तो वो लोग जो छोटी छोटी बच्चियों को अपनी हवस का शिकार बनाते हैं, वो दरिंदे भी किसी रावण से कम नहीं है। लेकिन सवाल ये उठता है कि इन मासूमों को अपने हवस का शिकार बनाने वाले इन रावणों का संहार करने के लिए क्या कोई राम जन्म लेगा? 2018 के कठुआ और उन्नाव, उसके बाद मंदसौर, ये तो वो घटना है जो सामने आ गई। लेकिन रोज कहीं ना कहीं रेप होता है। हर रोज एक लड़की किसी दरिंदे का शिकार होती है। हर दिन कोई लड़की इन बलात्कारियों के शोषण का सामना करती है, लेकिन समाज के डर से या तो वो खुद नहीं बोल पाती या उसका परिवार उसे चुप कर देता है। यहाँ तक कि इन रावणों के डर से ये मासूम आत्महत्याओं को अंजाम दे रही है, लेकिन इन अपराधियों को ठेस तक नहीं पहुँचती। कितनी दफ़ा तो ये रावण सामने भी नहीं आ पाते और जो सामने आते हैं वो लोग अक्सर बड़े लोगों की पहुँच या पैसों के बल से बच जाते हैं। अक्सर ये सवाल आपके भी मन में उठता होगा कि आखिर किस तरह लोगों के मन में ये कुकर्म पैदा होता होगा। कोई भी बच्चा अपनी माँ के पेट से ये सब सीख के नहीं आता। फिर कौन सी ऐसी परिस्थितियां हैं जो एक इंसान को रावण का रूप लेने पर मजबूर कर देती है? रावण जो कि प्रतीक है बुराई का, अहंकार का, अधर्म का, आज तक जीवित इसलिए है कि हम उसके प्रतीक का सिर्फ एक पुतला ही जलाते हैं, ना कि उसे। जबकि अगर हमें रावण का सच में नाश करना है तो हमें उसे ही जलाना होगा, ना कि उसके प्रतीक को। वो रावण जो हमारे ही अंदर है, लालच के रूप में, झूठ बोलने की प्रवृत्ति के रूप में, अहंकार के रूप में, स्वार्थ के रूप में, वासना के रूप में, उस शक्ति के रूप में जो आती है पद और पैसे से। ऐसे कितने ही रूप हैं जिनमें छिपकर रावण हमारे ही भीतर रहता है। हमें उन सभी को जलाना होगा। इसका नाश हम कर सकते हैं और हमें ही करना होगा। जिस प्रकार अंधकार का नाश करने के लिए एक छोटा सा दीपक ही काफ़ी है, उसी प्रकार हमारे समाज में व्याप्त इस रावण का नाश करने के लिए एक सोच ही काफ़ी है। अगर हम अपने आने वाली पीढ़ी को संस्कारवार बनाएंगे, उन्हें नैतिकता का ज्ञान देंगे, स्वयं राम बनकर उनके सामने उदाहरण प्रस्तुत करेंगे, तो इतने सारे रामों के बीच क्या रावण टिक पाएगा? जाते जाते आप सभी से यही कहना चाहूंगी कि इस दशहरा कोशिश करें कि रावण के पुतले का दहन करने के बजाय अपने अंदर के रावण को खत्म करें, क्योंकि अगर शुरुआत हमसे होगी तभी देश का भविष्य सुधर पाएगा। एक बार फिर आप सभी को न्यूज 29 इंडिया की तरफ से दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार।